10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि जनपद में 20 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 8 जुलाई को नामांकन किया जाएगा, 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच और 10 जुलाई को मतदान के तुरंत बाद मतगणना सम्पन्न होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। आरओ और एआरओ की तैनाती हो चुकी है और उनको ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिलाधिकारी ने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, गोरखपुर में 20 ब्लॉक है, इसलिए 20 जगह का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रारंभ हो चुकी है। नोटिफिकेशन तो हो ही गया है और उसका नामांकन कल होगी और कल के बाद फिर यानी 8 तारीख का नामांकन होगी, 9 तारीख का उसका स्क्रूटनी है और 10 तारीख का चुनाव है। उसका शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगे हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर एआर वो सबको तैनाती हो गई, नियुक्ति हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई और निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ने के लिए जो हम कितने भी पार्टी का शिकायत है, कितने भी पार्टी का जो आइडिया से ओपिनियन है उरी से सबको हम सुन रहे हैं और कोशिश करेंगे निष्पक्ष रूप से ही चुनाव रहेगा। और जो कितने कैंडिडेट इस पे हैं, खासतौर पे जो बीटीसी सदस्य है वही आकर के वोटर के रूप से वोट देंगे। उन लोग आकर के अपने योगदान, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मनपसंद जो कैंडिडेट के चुने, सबका स्वागत करता हूँ और शांतिपूर्वक रहेगा चुनाव।